पिछले व्लॉग की तरह 12:30 बज गए हैं। अरे हो जाओ, 12:30 बज गए हैं। और क्या हाल है मेरे सारे भैया के? भाई सारे भैया ने राम राम, सत श्री अकाल, किसे हो, फिट हो गए? नहीं भी हो तो मेरा व्लॉग देख कर फिट हो जाओगे। अच्छा भाई, पिछले व्लॉग में जो मैंने मम्मी के लिए प्रैंक करा था स्मोकिंग का, उसमें कमेंट आई थी कि भाई अंकल जी के साथ करो। भाई देख, बड़ी हिम्मत जुटाई, 5 से 6 दिन लग गए मैंने सोचने में कि मैं के तो प्रैंक करूँ और क्यों कर करूँ सब कुछ, क्योंकि भाई देख वाकई में बताऊँ, पहले था मेरे पिताजी, दूसरे नंबर पर पुलिस वाले, सब तक खतरनाक काम उनके साथ प्रैंक करना। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है, और मेरे घर का एक का कूना रह रहा था जो कि हमारा फ्रिज है, आज यो भी दिखा दूँ। और यो देख लो तुम, समझ गए के है, समझ गए समझ गए, प्रैंक आया थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और देख लो, लो चिल्ड है, बिल्कुल चिल्ड है, समझे हल्का हल्का प्रैंक है। चलो कोई बात ना, बाकी मेरी मम्मी रोटी सेक जा रही है। ना ना, ये रोटियां गला ना पीता मैं। या उल्टी फ्रिज में दर्द ना फूट गई ना, तो सारे प्रैंक का सत्यानाश हो जाएगा, तो वो दर्द दिया। फिलहाल 12:30 हो रहे हैं, पापा जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो ये भी जो सौदा दिखाया समझ गए होगे के है, जो ना समझा उस तो फिर बता दूँ, यह है बियर, ठीक है, यह मैंने अरेंज करी है, कितना करी है कितना लगा वो छोड़ दो तुम, उसने जान दो मैंने करी है बस। तो फिलहाल खाना खा लूँ एक बार, भूख लग रही है, मेरी मम्मी रोटी सेक कर बैठी है, तो मैं रोटी खा लूँ, फिर भीतर बैठ कर मम्मी के आगे सारी बात करूँगा, सारा प्रैंक अपना बताऊँगा। पापा शाम ना लेंगे, कल भी लेट आए थे, और ये फिर ना 2 बजे जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो पापा कहते 3-4 बजे से आऊँगा, तो पापा ने 1.5 घंटा सो लेते हैं क्योंकि थके उड़ाऊँगे, और फिर उसके बाद चालू होगा ना प्लैंक, ठीक है। बाकी रोटी खा कर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों करके करेंगे। पार्टी होगी, पार्टी मेरे माँ पार्टी कुकर दरे बैठी है बियर। बाकी भाई चीयर्स भावना करिए, देख सीत की अर मम्मी पियो पानी, कदे नु सोचते हो के खोल लिया दिन में 12 बजे दोनों माँ बेटा लग गए, ऐसा कुछ ना है, सिर्फ मम्मी के सामने मैं डिस्कशन करने आया हूँ। और डिस्कशन के है के छोटे वाला भाई उस दिन की तरह कैमरा लगो लेगा जो मम्मी गला प्रैंक करा था, मम्मी ने भी उस दिन कैमरा ना दिखा, नहीं दिखा ना, नहीं तो उससे तो दूंगा वो कैमरा लगो का बैठा रहेगा। और बियर देख मैं पीता को नहीं और ना पीनी चाहिए, मैं प्रमोट भी नहीं करता किसी भी तरीके से, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रैंक की तरीके से यूज कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा भाई, या बोतल ओपन करके धर लूँगा, कोई बात ना मेरे 100 रुपये खराब होंगे, कोई बड़ी बड़ी चीज़ ना, या मैं ओपन करके टेबल पर धर लूँगा। और जो इसका सब्स्टिट्यूट आया करे ना एप्पी, एक एप्पी मंगाऊँगा ये हस्ते, और एक गिलास में वो एप्पी धरे रखूँगा, और मम्मी तो कह दूँगा सलाद काट दे आज बखत है, जो मम रोटियाँ गला खाया करे, और वह धर के बैठ जाऊँगा, पापा ड्यूटी बताऊँगे। और आते मैंने बेरा है जो परला कमरा है ना उसमें आके बैठा करे एसी चला कर, और उस समय मैं बैठ जाऊँगा, बाकी तो फिर भाई भगवान जाने में के होगा, मेरा हड्डी टूटेगी, टांग टूटेगी, हाथ टूटेगा, अग बच्चूंगा, जो भी होगा फिर राम जाने, मैं भी नहीं जानता, और तब ने देख कर मेरा लाग जाएगा के होगा। तो मेरा यो प्लान है, तो अभी तो खा पी गए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और मम्मी कमरे में नहीं आओगी क्योंकि मैंने बेरा मेरी माँ हंस पड़ेगी, मम्मी तो मैंने पहले बता दिया तो मम्मी हंस पड़ेगी, और यस कैमरा छुपा कर बैठा रहेगा, और मैं यहाँ एक्टिंग करूंगा, पढ़ूंगी इन्हें, कह देगा तू क्यों बीच में आ गई। हाँ यो भी मतलब कुछ भी हो सका, तो मैं मम्मी ने बीच में ना लाऊं, मतलब तो मैं ही रहूंगा, जो होगा मेरे साथ होगा, गिव मी सपोर्ट गाइस, थारा भाई जोगिंदर बच जाऊंगा बस। ठीक है, तो मिलते हैं 4 बजे करीब इस के साथ, फिलहाल पापा जा रहे हैं, कोई स्क्रिप्टेड ना देख लो, ड्यूटी जा रहे हैं, रात कांड करूंगा मैं। जो जो भाई नू कह ना के मने बेरा क्योंकि पापा सिविल में जा रहे, वर्दी देखो लो यार टंगरी, अरे आड़े की तक हो ना घर में, कदे नू सोचो ना कि पापा आड़े है, सब कुछ स्क्रिप्टेड करेगा, मैनू कहूं था मैं का पापा सिविल में जा रहे हैं, वर्दी आड़े है, कदे तुम सारे नू सोचो ना स्क्रिप्टेड करेगा, स्क्रिप्टेड ना है, जो होगा नेचुरल होगा, मैंने वर्दी टंगी ओड़ भी दिखा दी, सिविल में जा रहे है पापा, और एक वर्दी गाड़ी में रहे हैं, ठीक है,
अगर इन केस पापा ने ड्यूटी पे वहीं के वहीं आग की तो जाना पड़ जाए तो वर्दी गाड़ी में रहे हैं अपने थाने में चेंज करके आगे चले जा हैं। तो नू मत सोचियो कि पापा आड़े है तो ड्रेस आड़े टंग रही है तो आड़े पापा की तो है ना है घर में जा रहे हैं ड्यूटी पे है नी और हाँ G20 चल रहा है तो कहीं भी ड्यूटी आ सकती है कभी भी आ सकती है। जब मैंने रिस्क ना लिया था 5 दिन बाट देखी फिर मैंने आज लग गया कि पापा कल भी ड्यूटी देखा है सुबह भी देखा है तो आज उम्मीद है हाफ डे में घर आ जाएंगे रेस्ट मिलेगा तो उस रेस्ट में छोटा सा प्रैंक कर लेंगे। पर भाई गणा ना करो देख वाकम बताऊं पुलिस वाला की मार बहुत गंदी हुआ है बचपन में बहुत खारा किया उन्होंने तो समझ जाओ मैं घना नहीं करूँगा जितनू आ गया ना पापा ने नू नू भी कर दिया नू ठाक है तो समझ जाइयो मैं जब हाथ जोड़ जाऊँ कोनी आते ही कि मजाक है बकस दो है कि नहीं। और वो पुलिस की मार तो चोर भी का पाम इंसान तो के चीज है हरिया तो घर में मैं एक माँ है। चलो ठीक है तो पापा गया बाद मिलता हूँ बाबा मम्मी का चिल्ला देख लो नए स्टाइल का और ये देख लोकी सा बनाया समझ तो बाहर के चिल्ले बनने ना लग रहे हैं पता ना कौन से देश के G20 देश के बना दिए गए चिल्ले हमारे ना घर आऊंगे। बाकी भाई बस स्टैंड पर गया था ये ले आया हूँ दो ले आया कम नहीं रहनी चाहिए बत्ती बेच सकते हैं समझो ना ये दोनों ले आया हूँ। बाकी पापा आ रहे हैं भीतर लौट रहे हैं तो मैंने भी डिस्टर्ब ना करें क्योंकि पापा 2 बजे आ गए थे जिस टाइम मम्मी लेट रहे थे आराम कर रहे थे तो फिर मैंने उस टाइम ना करा पर यहाँ तक घूम गाऊँगे ना जब करूँगा या घूमने जाने से पहले है ना पापा घूम गाऊँगे ना जब मार तो खोल के बैठ जाऊँगा बेस्ट रहेगा वो है ना वो करना बेस्ट रहेगा जब मैं करूँगा ये बना करता है ये भी फ्रिज में डर दू ठंडी ठंडी पियेंगे बियर और भी ठंडी पीनी चाहिए दिमाग बढ़ाने लग रही है बुगड़े खा कर रात ने दिमाग बढ़ा हुआ मम्मी तो जुकाम हो रहा है जुकाम हो रहा है मेरी माँ का जुकाम हो गया। बाकी भाई तुम नुको गए 4 बजे का था रात होगी क्यों पीछे तुमने दिख रहा होगा खिड़की में रात होगी और तेने वो शूट ना करा भाई सही है ना करा पापा का थोड़ा सा मामला गर्म हो रहा है और मैं वो शूट कर लेता ना तो आंडी का छोकर हिली पे उतर जाता और मेरा हो जाता करड़ा रिमांड पे फालतू का मतलब वो हो जाता कि खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बार आने ठीक है तो बेफालतू के रिमांड था बढ़िया भाई थोड़ा सा पोस्टपोन कर लो जिसमें बच भी सकूँ मैं ठीक है। तो इस मारे भाई मैंने वो प्रैंक थोड़ा सा डिले कर दिया G20 की ड्यूटी की वजह से पापा थोड़ा सा टेंस्ड चल रहे हैं टायर्ड चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी बर्डन आ रहा है उन पर तो बस इतना ही कहूँगा। और मैंने कल से मतलब यह वीडियो कल आएगी तो आप परसों से देखोगे परसों से मैंने एक नया चैलेंज ले लिया है 75 hard चैलेंज पता है कौन सा है कौन सा क्या होगा पता है तने इसमें नहीं मैं बताता हूँ उसमें क्या है 75 hard चैलेंज में 75 दिन तक आपने डेली सुबह उठना है 1 घंटा वर्कआउट करना है फिर नहाना धोना है फिर घर का ही खाना खाना है एक डाइट कर लेगा तू वही तो एक डाइट लेनी है रोज के चटोरा खाने वाला कंट्रोल कर जाएगा करूँगा ना ठीक है मतलब एक ही डाइट लेनी है पूरे 75 दिन तक एक ही डाइट चलेगी फिर कोई भी एक धार्मिक किताब पढ़नी है फिर सामने फिर 1 घंटा मेहनत करनी है फिर एक फोटो लेनी है और फिर सोना है ये रूटीन 75 दिन तक चलेगा बाहर का कोई खाना नहीं है और तो कर लेगा तो सारे पर मैंने खाने पे डाउट है इसका खाने पे है क्योंकि मैं भी बाहर का खा कर आया हूँ और मेरा रोज का है रोज का कुछ ना कुछ खा गया हूँ जितना मैंने इस मारे अपना थोड़ा सा फिजिक इम्प्रूव हो जाएगा और एक मैं चैलेंज भी ले लिया कि भाई मैंने देखा है कि 1% आदमी ही इसने कर पा रहे हैं 100 मत है तो क्यों ना मैं अभी ट्राई करूँ एक बार ले कर ठीक है ट्राई ले क्या करता है अच्छा इसका सबसे हार्ड पार्ट
सबसे हार्ड पार्ट। जैसे आपने मान ली 10 दिन आपने बाहर का नहीं खाया, 11वें दिन आपने बाहर का खा लिया, तो वे 10 दिन निरस्त है, फिर से एक से स्टार्टिंग करनी है, सबसे हार्ड पार्ट। ये तो बात हो गया, नहीं टूटना। मान ले 10 दिन मैंने करा, 11वें दिन बाहर का खा लिया, तो 12वें दिन से फिर से एक से काउंटिंग चालू होगी। तो मैंने ये हार्ड चैलेंज लिया है, ठीक है, ये आपको तो बता दी। तो कल ये व्लॉग आ जाएगा, परसों से फिर तो मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं जरूर पकड़ूंगी तेरे खाते हो, मेरे पीछे पीछे है, ठीक है। तो अब घर का थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, मैं घर का खाया करूंगा, सब्जी रोटी दूध, ठीक है, बाहर का बंद, ठीक है ना भाई। भाई शीत पी सकूं बाहर था हुआ है, ठीक है, ऐसी चीज पी सकता हूँ मैं, शीत दूध, हाँ ये तो पी सकूं, ठीक है। तो ये चैलेंज ले लिया, बाकी उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आएगा। बाकी यार थोड़ा सा फील मैंने भी हो रहा है कि मैं प्रैंक कई यार मैं प्रैंक करना पाया, पर कोई बात नहीं, बेटर लग नेक्स्ट टाइम, आगे जब भी मौका मिलेगा जरूर करूँगा, इन्हीं 75 दिन के बीच में कदे ना कदे कर दूंगा, वो वीडियो भी आ जाएगी। तो बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं 75 हार्ड चैलेंज के साथ अगले व्लॉग में।